जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विद्यालय चित्रकूट के योग विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वित प्रयासों द्वारा सप्तम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर 7 दिवसीय राष्ट्रीय व्याख्यान माला और योग कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 15 जून 2021 से 21 जून 2021 के मध्य क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर मैं डॉक्टर रीना पांडे आप सभी उपस्थित जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के संरक्षक संपोषक पद्म विभूषण से सम्मानित श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय अर्थात हम सबके गुरु जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिनके संरक्षण में विश्वविद्यालय परिवार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करने के में सदैव ही सफल हुआ है। मैं विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय कुलपति प्रोफेसर योगेश जी का भी अभिनंदन करती हूँ, जिनका मार्गदर्शन सदैव ही हम सबका प्रेरणा स्रोत रहा है। मैं विश्वविद्यालय के सब समस्त विद्वजन वरिष्ठ जनों का भी अभिनंदन करती हूँ कि जिनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता और मार्गदर्शन ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन एवं सफलता का द्योतक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित सप्त दिवसीय व्याख्यान माला को जिन शिक्षकों के द्वारा सुसज्जित किया जा रहा है, निसंदेह आज उस माला के सुगंधित पुष्पों से आपका परिचय कराने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं संयोजक मंडल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इस व्याख्यान माला में 2 सत्र हैं, एक व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल सत्र है जिसका की प्रसारण या जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा था मॉर्निंग शिफ्ट में, और द्वितीय जो टेक्निकल तकनीकी सत्र है इस व्याख्यान माला का, जिसमें की व्याख्यान विद्वजनों द्वारा व्याख्यान दिए जाते हैं और योग और उससे संबंधित विषयों पर प्रकाश डाला जाता है। तो आज के इस द्वितीय तकनीकी सत्र में सर्वप्रथम हम आपका परिचय डॉक्टर चंद्रभूषण नाथ त्रिपाठी जी से, जो कि प्रमुख अधीक्षक जिला चिकित्सालय अयोध्या में कार्यरत है, पूर्व में भी सर चिकित्सा अधिकारी और सुल्तानपुर जैसे जगहों पर अपनी सेवाओं को प्रदान कर चुके हैं। इसके साथ ही सर ऑर्थोपेडिक सर्जन और परामर्शदाता जिला चिकित्सालय बहराइच सुल्तानपुर जौनपुर और बस्ती जैसे जगहों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा यानी योग के द्वारा मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने का काम किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि योग जो है वो मात्र शारीरिक पक्ष से संबंधित नहीं है, योग के द्वारा हम शारीरिक से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी विकास करते हैं, उससे भी हमें मानसिक और आध्यात्मिक सुख एवं शांति की प्राप्ति होती है। तो आज जो तकनीकी सत्र में प्रथम व्याख्यान के रूप में जो अपने उद्बोधन के साथ अपने अमूल्य विचारों के साथ हम सबको परिचित कराएंगे डॉक्टर त्रिपाठी सर को, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कि इस व्याख्यान माला में वे अपने विषय योग का मनोविज्ञान संदर्भ में अपने अमूल्य विचारों का उद्बोधन करके हम सबको अनुग्रहित करें। डॉक्टर त्रिपाठी सर जी धन्यवाद। थैंक यू सर। मिस्टर देवा नाम, क्योंकि योग के जितने ज्ञानार्थी होते हैं वो देवतुल्य होते हैं, क्योंकि अगर उनके अंदर ऐसी वृत्तियों का विचार नहीं आता तो योग उस न सुनने आएंगे न सीखने आएंगे। दूसरी, जिस कार्यक्रम का प्रारंभ राम भद्राचार्य जी जैसे जगतगुरु कर रहे हों, जो ज्ञान और गरिमा के समस्त सिद्धियों से युक्त हैं, और हम लोग क्योंकि भारतीय दर्शन के जुड़े हुए लोग हैं, हम निसंदेह में सर्वप्रथम देवों की पूजा करते हैं, तो
तो आप सब लोग और इस कार्यक्रम को सुनने आए जो वैकुंठ से देवलोक, हम सबको प्रणाम करते हुए मैं अपना विषय प्रस्तुत करता हूँ। हम सारे लोग जानते हैं आजकल पूरे विश्व में योग की चर्चा चल रही है, जहां देखिए वहां योग। अभी ये नहीं है, 21 जून को सारा संसार विश्व योग दिवस के रूप में मनाएगा। हालांकि बाह्य रूप से हम जैसा जानते हैं, जो योग हमको बताया जाता है, जो योग हम करते हैं, वह योग वास्तव में योग के अष्टांग योग के जो तृतीय अंग है उसका एक उपांग मात्र है, आसन की एक प्रक्रिया मात्र है, पूर्ण रूप से वो भी नहीं है। हालांकि पूरे विश्व में बाबा रामदेव कहीं कर रहे हैं, किसी जमाने में पहले महर्षि महेश योगी ओशो भी हमारी योग परंपरा के अनुरूप ही इन्होंने विदेशों में अपना जो प्रारंभ किया था वो हमारी योग की परंपरा थी। कोई भावातीत ध्यान की बात करते हैं, किसी न किसी स्वरूप में उन्होंने किया है, यद्यपि वो भी हमारे जो योग सिद्धांत के अंतिम बिंदु समाधि तक नहीं पहुंच सकते थे, तथापि इन लोगों ने पूरे विश्व में योग के प्रति एक अलग जगाई। आजकल भी हम सब लोग देखते हैं कि जहां देखे जहां योगिक परंपराएं प्रारंभ हो गई। लेकिन सर्वप्रथम हमें जानना होगा योग है क्या, क्या एक शारीरिक व्यायाम है। हमारे सारे दर्शनों में कहा गया योग का अभिप्राय है जोड़ना। किसको जोड़ना है? जीव को ईश्वर से जोड़ना है। जो योग का दर्शन है वो कहता है जीव को पुरुष से जोड़ना है, अद्वैत में हम कहते हैं ब्रह्म से जोड़ना है, या आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है। ये जो जोड़ है वास्तव में यह योग है कि मानसिक प्रक्रिया अधिक है, शारीरिक प्रक्रिया कम है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञान कर्म और भक्ति, ये तीनों को एकाकार होने को योग कहते हैं। ये जो त्रयी है, जैसे हमारे भारतीय दर्शन में ज्ञान की त्रयी है, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, जब तीनों एकाकार होते हैं उसे त्रिपुटी ज्ञान कहते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान वही है। लेकिन अगर विस्तृत रूप से हम विचार करें तो वास्तव में योग पूरी तरह से एक मनोविज्ञान है। भारतीय दर्शन के अलावा बौद्ध और जैन जो कि अवैदिक परंपरा के दर्शन माने जाते हैं, उसमें भी जो कुछ है मेरे दृष्टि से वो योग ही है, योग के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं है। अभी मैं आगे चलूंगा तो मुझे लगेगा कि यम और नियम हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है वहीं में दोनों धर्म के दर्शन समाहित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जिनका हम वर्णन करते हैं अष्टांग दर्शन जो हमारा कहलाता है, उसमें दो ऐसे हैं आसन और प्राणायाम जो शारीरिक नियमन करते हैं, अन्य सारी चीजें बहिरंग में जैसे यम है और आगे चल करके धारणा ध्यान समाधि, ये सारी चीजें जितनी हैं ये सब के सब वास्तव में मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ब्रह्म को ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ये जो पूर्व पीठिका है, जो पांच बहिरंग माने गए उसे हम पूर्व पीठिका कह सकते हैं, जो पूर्व पीठिका है जिसमें कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये पांच आते हैं, धारणा ध्यान समाधि, ये पूरी तरह आध्यात्मिक तथ्य है। इस पे हम धीरे धीरे सनई सनई विचार करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है प्रत्याहार को लेके, बहुत से लोगों ने कहा, बहुत लोग बताते हैं आहार का नियमन बहुत स्थूल चीज है। आहार है क्या, हमने कभी विचार किया? हमारे दर्शन शास्त्र में तो कहा जाता है, हमारे भारतीय दर्शन के कहा जाता है इंद्रियां जिसको जिसको ग्रहण करना चाहती वो भूख है, और उस क्षुधा को अंतरंग करना, उस क्षुधा से मुक्त होकर के अपने अंतरतम में ही खोजना, वह वास्तव में प्रत्याहार है। अब प्रत्याहार के बारे में इंद्रियों को हमने पांच को माना, हमारे दर्शन में 11 इंद्रियां हैं, पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, एक मन, मन भी एक इंद्रिय है जो सुख भोग की परिकल्पना करे, सुख भोग की व्यवस्था में जो
संलग्न हो, वो सब इंद्रिय हैं, और उस सबको आंतरिक करना, ये हमारा जो है प्रत्याहार का अभिप्राय है। थोड़ा हम व्यावहारिक तथ्य की तरफ चलें, बहुत ज्यादा मीमांसा ना करें। जन सामान्य के लिए योग क्या है? जैसे हम लोग खेलते हैं, खेल हर आदमी खेलता है, खेलते समय कुछ क्षण के बाद वो इतना व्यक्ति तल्लीन हो जाता है कि उसे कोई चीज याद नहीं थी, खेल केवल वही दिखाई देता है, और एक घंटा दो घंटे के खेल में वो निरंतर संसार के सारे बाह्य आवरण से राग द्वेष जो दुनिया छल छंद सबसे मुक्त रहता है। बाहर सांप दौड़ रहा हो, शेर गूंज कर रहा हो, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। यह योग की एक चरम स्थिति है। ऐसे हम परीक्षा में जाते हैं, हम परीक्षा देने जाते हैं। अब आज की स्थिति तो कोरोना में अलग हो गई है, अन्यथा हम 3 घंटे अगर घंटी न लगे तो जिस छात्र को अच्छी ढंग से ज्ञान होता था, एक ही प्रश्न 3 घंटे करता रहेगा, उसे ज्ञान ही नहीं होता कब 3 घंटा बीती थी। यह भी योग की स्थिति। ऐसे और भी उदाहरण है जो हर जगह कहे नहीं जा सकते। प्रेम की पराकाष्ठा जहां होती है, चाहे वो पति पत्नी के बीच का हो, प्रेमी प्रेमिका के बीच हो, भक्त और भगवान के बीच में हो, उस क्षण भी वो उसी में इतना लिप्त हो जाता है, या यो कहिए संसार की लिप्तताओं से मुक्त हो जाता है। यह भी एक योग की स्थिति है। जैसे मीरा के बारे में कहा जाता है, कबीर के बाद मीरा ने विष का प्याला ग्रहण किया तो उस समय उसको केवल कुछ थोड़ा दिख रहा था, वो कृष्ण की समाधिस्थ थी, समाधि नहीं भी करें तो ध्यान में थी, योग की 7वें स्टेज पे थी, इसलिए उसको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसका जो विष का दोष है जीव को मृत्यु की तरफ बढ़ाना, ये लौकिक है, पारलौकिक नहीं है, वो दोष ही समाप्त हो गया क्योंकि वो योग की स्थिति में। मैं थोड़ा विज्ञान का छात्र हूं, यहाँ एक विषय आएगा तो मैं पहले बता दूं, इसकी एक फिजियोलॉजी भी है जो मैंने अनुभव की है, जो हमने कुछ व्याख्याताओं से जाना है, कुछ साइकोलॉजी की और कुछ जो हमारी मेंटल साइंस की बुक है वो कहती है, जब कोई भी योग करते हैं, चाहे प्राणायाम करते हैं, चाहे ध्यान करते हैं, उन सब स्थितियों में हमारे फ्रंटल लोब जो है, ब्रेन का अग्रभाग जो है, वो कुछ ना कुछ जो है तरंगे भेजता है, वो तरंगे हाइपोथैलेमस में जाती हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन, और हाइपोथैलेमस जो है पूरे शरीर का नियमन करता है, क्योंकि उसका जो स्राव है वो इंडोक्राइन ग्लैंड को जाता है, वो उसके अनुरूप एंजाइम्स बनाते हैं और वही संपूर्ण शरीर को, संपूर्ण व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, उसका एक साइंटिफिक पैथोफिजियोलॉजी भी है। अब हम थोड़ा सा इस पे बहुत एक एक बिंदु को लेने हम चाहते हैं, सब पे हम विचार करें। हम पहले अष्टांग योग की बात करते हैं, चित्त वृत्तियों के निरोध को वैसे योग कहा गया, वो बहुत बड़ी दार्शनिक व्याख्या, उसके पूर्व मैं जो अष्टांग योग की बात करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ यम है, यम में क्या है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह, और मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से करना है। इसमें पूरा का पूरा बौद्ध धर्म और पूरा का पूरा हमारा जैन धर्म समाहित है, उनकी जो पांचों शिक्षाएं, पांचों जो उनका सिद्धांत है, ये दोनों दर्शनों को आ गया है, और उसके जो क्रियात्मक तरीके हैं वो हमने नियमों डाल दिया, जैसे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तमाम लोग कहते हैं कि स्वाध्याय की क्या आवश्यकता है, योग तो एक प्रक्रिया योगी से सिद्ध। हाँ, ऐसा भी होता है, गुरु के सानिध्य में जाने पर अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वह व्यक्ति अध्ययन से युक्त होता है, या उसकी परंपरा में किसी ने अध्ययन किया और ज्ञान किया, उस अध्ययन के माध्यम से ही हम अपने चित्त वृत्तियों के बारे में जानते हैं, अपने सारे सामर्थ्य के बारे में आते हैं, समाज, ईश्वर, ब्रह्म, प्रकृति सबके बारे में एक हमारी अवधारणा होती है, वह चाहे हमने ग्रहण की या हमारी परंपरा के गुरुओं ने ग्रहण की, उनसे इसलिए स्वाध्याय की मानी आवश्यकता है। और होता ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर प्राणिधान का अभिप्राय मात्र किसी ईश्वर की उपासना तक नहीं है, किसी भी प्रकार की उपासना की जाए, जैसे गांव में मरी माई, काली माई जितने भी हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, आप किसी को भी जो देते हैं
जो भी पूजा अभ्यर्थना आप किसी के प्रति करते हैं उस सब मुझे ही प्राप्त होते हैं। मुझे क्या मतलब, वो परम शक्ति को प्राप्त होते हैं, चाहे उसे हम ब्रह्म नाम दे चाहे जिस नाम से दें, लेकिन वो जो शक्ति है उसी को प्राप्त होते हैं। तो ये ईश्वर प्राणिधान है, और ये ईश्वर प्राणिधान जो शब्द है यही मूलतः द्वैतवाद है, जो आगे चल के हम मीमांसा करते हैं। द्वैतवाद, मैं और मुझसे अलग। वैसे योग और सांख्य दर्शन जो दोनों एक में मिला करके देखा गया, ये द्वैत प्रकार का ही साधन, द्वैत ही है लेकिन द्वैत में भी अद्वैत छिपा। तो ये ईश्वर प्राणिधान जो है यह एक द्वैत भाव यहीं पर आता है कि हम जीव हैं और एक ईश्वर है या एक देव शक्ति है। ईश्वर शब्द यहाँ कहना तो ब्रह्म का द्योतक होता है, उसको हमें यहाँ नहीं कहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो जो हमें सारी चीजें उन्होंने दी, यम और नियम, ये दोनों बिल्कुल मानसिक प्रक्रिया है। आप किसी भी व्यक्ति को अगर मानसिक नियंत्रण नहीं है, संसार के प्रलोभनों से मुक्त नहीं है, तो यम का ही पालन नहीं कर सकता है और हमारे योग की कक्षा एक में फेल है। बाकी हम नियम की बात करते हैं। नियम तपश्चर्या कहते हैं, थब्बर शेष धरे महिभारा कहा जाता है, तब्बल महेश करें संघारा। तप में बड़ी सामर्थ्य है, लेकिन तप क्या है, हमारे नियम, अपने आप को किसी के प्रति केंद्रित करना और सुख दुख के प्रति विरक्त हो जाना, यह वास्तव में तप है। केवल तप एक घंटा बैठना नहीं है, तप किसी कंदरा में जाके जरूरत नहीं है। जब भी हम संसार में जो हमें छलावे हैं, झूठे छलावे हैं, जो मोह के जितने साधन हैं, उनसे हम जहां भी मुक्त हो जाते हैं वो हमारी तपश्चर्या। आसन हम कहते हैं शरीर का एक संयम है, जैसे मानसिक संयम की बात हुई यम और नियम में, वैसे एक शारीरिक संयम की आवश्यकता है। जो शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, संसार के जितने धर्म साधन है, जितने क्रियाकलाप है, जितने कार्य व्यवहार है, उस शरीर पर भी आधारित है, इसलिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। इसके लिए हम योग करते हैं, कसरत करते हैं, विडंबना है लोगों ने योग को यहीं तक सीमित कर दिया। लेकिन हम कहते हैं ना आसन कौन, योग में कहते हैं सुखासन में रहिए, जिसमें सुख उत्पन्न हो। तो सुखासन की बात होती है, शारीरिक कष्ट देने की आवश्यकता नहीं, शरीर के संवरण की आवश्यकता है, जिससे हम आगे के श्रेष्ठ भाव को ग्रहण करते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम को तो अभी कोविड में सबसे ज्यादा महत्ता मिल गई। प्राणायाम क्या होता है, यहां मैं विषय से थोड़ा विषयांतर करूंगा। प्राणायाम के माध्यम से हम उन अल्वियोलाई को जो हमारे कार्य में नहीं आती उनको भी हम कार्य में ला देते हैं। ये थोड़े देर के लिए मान लिया हमारे 30% अल्वियोलाई रक्त संचरण में, हमारे रक्त के शुद्धिकरण में भाग लेती हैं, बाकी 70 पड़ी। जब प्राणायाम करते हैं तो विशेष परिस्थिति होती, वो 70 भी खुल जाती हैं और उसकी आदि हो जाती है। जैसे अगर हम दौड़ते नहीं हैं, एक शेर ने हमको दौड़ा लिया तो हम 5, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट जाके गिर पड़ेंगे, वो खा लेगा। एक पेड़ है मान लिया 100 मीटर दूरी पे, तो हमारे अंदर अगर सामर्थ्य रोज दौड़ते हैं 100 मीटर जाकर के अपना बचाव कर लेंगे। यही स्थिति हुई, जो लोग प्राणायाम करते थे वो कोविड में भी बचे रहे, क्योंकि उनके अंदर जो लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी थी, उनका ऑक्सीजन 30 और 35 पे नहीं पहुंचा, वो 92, 94, 96 आके पुनः वो ऊपर आ गए। तो ऐसी आवश्यकता प्राणायाम की है। लेकिन प्राणायाम का एक वैज्ञानिक सिद्धांत भी है तो एक मानसिक सिद्धांत भी है, कि जब प्राण वायु को खींचते हैं, रोकते हैं, तो उसमें भी ईशोपासना भी होती है। हम उसके साथ खींचते हैं तब भी हम संसार के बाह्य वस्तुओं से दूर हो जाते हैं, और हमारा जो आयाम है, किसी भी चीज में अगर हम एकाग्रता आती है तो वह एक प्रकार का योग है, इसे प्राणायाम को योग में रखा। प्रत्याहार के बारे में इसके पूर्व ही मैं बोल दिया, क्योंकि इंद्रियों का संयम है, हर चीज का संयम, मन का संयम हो गया, शरीर का संयम हो गया, अब इन्होंने कहा इंद्रियों का संयम। इंद्रियां जो है स्वाभाविक रूप से बाह्य वस्तुओं में इनकी लिप्सा होती है, उससे आसक्ति होती, उस आसक्ति से मुक्त करना, शनई शनई बाह्य विषयों से हटाकर अंतर विषय में ले आना, ये वास्तव में प्रत्याहार। फिर हम आते हैं धारणा पे।
धारणा क्या है, किसी स्थान पे नाक में या कहीं मूल में या हम लोग जहाँ चोटी रखते हैं ब्रह्मरंध्र के पास शरीर के किसी स्थल पे हम अपने इष्ट को ले आते हैं, इष्ट को वहां पे एकत्र करते हैं। ये हमारी जो है विशिष्ट साधना होती है जिसके द्वारा हम जो है एक धारणा बनाते हैं। धारणा माने एक बिंदु पे एकाग्र करना, चाहे किसी रूप में सामान्यतया उसे हनुमान जी के रूप में किसी रूप में लोग, क्योंकि अमूर्त के को स्थापित करना बड़ा कठिन काम है, ये तो समाधिस्थ होने की अंतिम अवस्था में होता है। फिर ध्यान, और जो हमारे अंदर जो धारणा हमने बनाई उसके ऊपर ध्यान करिए। ध्यान में क्या है, वृत्तियां आती हैं जाती हैं, उनका पूर्ण तरह विलोपन नहीं होता, चित्त वृत्तियों का निरंतर दोलन चलता है, आती हैं जाती हैं, वह स्थिति हमारी ध्यान की होती है। ध्यान जिसको लोग कहते ना कि ध्यान में आप सब भूल जाएंगे, वो हमारी समाधि की स्थिति है जिसमें बहुत कम लोग जानते हैं। भावातीत ध्यान की जो बात होती थी विदेशों में हमारे योगियों ने पहुंचाया, वो इसी स्टेज की है जिसे हम लोग यहाँ पे ध्यान नाम देते हैं। अब समाधि क्या है, निर्विकल्पक समाधि होती है। सब विकल्पक समाधि का भी कोई अभिप्राय नहीं है, निर्विकल्पक समाधि जो होती है वो सबसे हम मुक्त हो जाते हैं, कोई इसका विकल्प नहीं, टोटल जिसे कहते नहीं कि टोटल सरेंडर विदाउट रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं, ब्रह्म के प्रति संपूर्ण समर्पण करना, वो हमारा एक प्रकार से वही हमारी समाधि की स्थिति। समाधि में कौन रहता, भगवान शंकर सदैव समाधिस्थ रहते हैं कहा जाता। किसकी साधना करते हैं कोई नहीं जान पाया आज तक, क्योंकि समाधि में वो स्थिति उत्पन्न होती ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय जिसे कहते हैं ना, आप धारणा जो है, ध्यान जो है और ध्येय जो है, तीनों एकाकार हो जाता है। ऐसी स्थिति जो हमारी आती है वो हमारी जो है समाज की स्थिति है। अब हम थोड़ा सा योग दर्शन के एक दूसरे बिंदु पे चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और मनोविज्ञान का वास्तव विषय वही है। कहा जाता है कि चित्त वृत्तियों का निरोध, योग क्या है, चित्त वृत्तियों का निरोध। बड़ा मुश्किल विषय, चित्त क्या है, लोग कहते मन ना। हमारे दर्शन में, योग दर्शन में या वैशेषिक दर्शन में चित्त को तीन चीजों को उन्होंने माना है। उन्होंने कहा मन बुद्धि और अहंकार तीनों मिला के चित्त बनाते हैं, इनको मिला करके चित्त होता है, और चित्त जो है अवचेतन है और ब्रह्म के बिंब से प्रतिबिंबित होता है। जैसे चंद्रमा का प्रकाश है वास्तव सूर्य का प्रकाश है, उसका अपना प्रकाश नहीं, ऐसे जो है हमारे दर्शन के हिसाब से, हमारे योग दर्शन के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा चित्त है वो अचेतन है, उस पर प्रतिबिंब पड़ता है और उस प्रतिबिंब को ही हम अपने को यथार्थ मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि हम चेतन हैं, यही सबसे बड़ी भ्रांति है। जैसे उदाहरण दिया गया लोहा का गोला है, वो गर्माते गर्मा दग्ध हो गया, तो लोहे ने समझा कि मैं तो आग का गोला हूं, वास्तव में आग का गोला नहीं है, वो आग है ही नहीं है, आग का अध्यारोपण हो गया उसके ऊपर। तो ये एक त्रुटि उत्पन्न होती है, वो अपने को उसी में सीमित दायरे में कर लेता है। और जब हमारी चित्त जो है विषयों के संपर्क में आकर उनका स्वरूप ग्रहण कर लेती हैं तो उसे क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं, वृत्ततया दोषा, हम वृत्तियों के अनुसार दोष करते हैं। जैसे हमको कोई वस्तु जो है दिखाई पड़ती है, वास्तव हमारी चित्त वृत्ति ने उससे संपर्क में आकर के उसको स्वरूप को ग्रहण कर लिया, इसलिए हमारे चित्त में यह अनुभूति होती है। हम सारे लोग जानते हैं क्योंकि यहाँ विद्वत जन ही हैं कि चित्त जो है, चित्त वृत्तियों का जो निरोध की बात उठती है, चेतन जब चेतन या पुरुष जब उसके संपर्क में आता है, संसर्ग में आता है, तभी हमारी चित्त वृत्तियों में यह दोष उत्पन्न होता है। और जब वो धीरे धीरे ज्ञान का स्तर हमारा, चाहे वो समाधि के द्वारा या तत्व ज्ञान के द्वारा, किसी प्रकार से हम यह जान लेते हैं कि यह शरीर या जो चित्त है यह वास्तव में चेतन के अचेतन है, तो वही समाज की स्थिति हमारी उत्पन्न होती है। चित्त की स्टेजेज है,
जिसे भूमिया कहते हैं, जैसे जड़ चेतन को जब हम लोग देखते हैं तो उसमें चार पांच स्वरूप आते हैं जो स्टेजेज हैं, जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिविशेष। अब अविद्या क्या है? जो संसार में दुख है, सुख है, इनके प्रति जो ज्ञान है हमको, उसको अपना मान लेना, यही अविद्या है। जीव या आत्मा का मान लेना या एक अविद्या है। और दोनों को एकमात्र, दोनों को एक मान लेना, ब्रह्म को, अपने को, प्रकृति को, पुरुष को, सबको एक मान लेना, ये जो है ये अस्मिता। और जो हम लोग उसके प्रति अनुराग रखते हैं, उसके प्रति रुचि रखते हैं, वह राग है। और हमारे सुख दुख में जो बाधाएं दिखाई पड़ती हैं, उसका जो हम विरोध करते हैं या जो हमारे अंदर एक वृत्ति उत्पन्न होती है उसके पास विरोध की, क्रोध की, वह द्वेष है। और एक जन्म और मृत्यु का एक स्वाभाविक जो हमें डर होता, भय, वो जो भय है वही हमारा अधिविशेष है। अब इसको भी जो हम चित्त वृत्तियों के नियंत्रण की बात करते हैं तो चित्त वृत्तियों का नियंत्रण भी बहुत ही कठिन कार्य है, ये मूलतः यही मनोविज्ञान है। तो चित्त वृत्तियों क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, तीन स्टेजेज होती हैं। तो इसमें दो स्टेज जो लास्ट के हैं वो साधना के हैं, मतलब उनमें ही ध्यान किया जाता है और उसमें समाधिस्थ होता है। जो शुरू की तीन चित्त वृत्तियां हैं जिसे क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त कहते हैं, जिसमें रजोगुण की, क्रमशः तमोगुण की, और विक्षिप्त में तो सतोगुण की भी प्रधानता है लेकिन अस्थायित्व नहीं, इसलिए इन तीनों स्टेज में हम किसी प्रकार की साधना करने में समर्थ नहीं होते। और इससे जब एकाग्र होता है, एकाग्र क्या होगा, हमारी चित्त वृत्तियां सारी समाहित हो गई अपने अपने आप में, और सबके सब किसी एक बिंदु के प्रति, एक रूप के प्रति, एक इष्ट के प्रति समर्पित हो जाती है, तो एकाग्र बोलते हैं। और वास्तव में इसे समाधि के रूप में तो माना जाता है, लेकिन वह भी वास्तव में अगर कहा जाए तो ध्यान है। इससे आगे हमको इससे आगे बढ़ना है, कहां पहुंचना, समाधि में। समाधि क्या है, जहां चित्त वृत्तियों का पूरी तरह निषेध हो जाता है, निरोध हो जाता है, तब हमारी जो स्थिति होती है वह स्थिति होती है हमारे समाधि की, जैसे प्रज्ञा कहते हैं, जैसे हमारे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया। स्थित प्रज्ञ क्या मतलब, इन सब बातों से राग द्वेष सुख सबसे परे हो जाए, इस चीज का भान हो जाए कि सुख भी मेरा नहीं, दुख भी नहीं मेरा, और सबसे कठिन क्या है, मुक्त होना, लोकेशना, जो इच्छा शक्ति की सबसे समस्त सशक्त वृत्ति होती है वो लोकेशना होती है। लोकेशना थोड़ी समझने की चीज है। इससे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े योगी इससे मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि लोकेशना, लोग हमें श्रेष्ठ समझें, यह वृत्ति लोकेशना। नेता भी इसी में परेशान रहता है, अधिकारी भी इसी में परेशान रहता है, और इसी में हमारे बड़े बड़े संत भी इससे मुक्त नहीं हो पाते। लोग श्रेष्ठ समझें, सबसे कठिन है लोकेशना की वृत्ति से मुक्त होना। तो इच्छा की जितनी भी शक्तियां हैं, जब उनसे आप मुक्त हो जाते हैं तभी आप समाधि की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, और वो समाधि होती है। समाधि को भी हमारे दार्शनिकों ने, हमारे विद्वानों ने अलग अलग स्वरूप में माना है। समाधि को भी उन्होंने कहा कि केवल सिंपल समाधि नहीं है, समाधि में क्या है, उन्होंने कहा असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि क्या है, ध्येय वस्तु का ज्ञान लाता है, कि हम इसकी पूजा कर रहे हैं या हम इसका धारण कर रहे हैं। धारणा से ऊपर की स्टेज है, लेकिन धारणा का विलोपन नहीं होता। जिसके प्रति हमने ध्यान किया है धारणा के माध्यम से, वो ध्यान में वह वस्तु निरंतर बनी रहती, उससे हम मुक्त नहीं। जैसे कोई आराधक लोग होते हैं और भक्ति जो है यहीं तक रहती है। भक्ति क्या है, किसी आराध्य देव के प्रति संपूर्ण समर्पण, यह जो है
भक्ति है। तो भक्ति में ये क्या, अगर आप सोचें तो एक प्रकार से ये संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात माने जिसमें कि इष्ट आपका, ध्येय आपका उपस्थित रहता, उसे हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। लेकिन जब असंप्रज्ञात समाधि में कुछ भी नहीं बसता है, ध्यान देता ध्येय वास्तव में अगर सोचे तो कुछ नहीं है, सब शून्य है। जो शून्य है वही सब कुछ है, क्योंकि वही ब्रह्म है, और वहां हम समाधिस्थ होते हैं। तो ये योग का अंतिम आश्रय है, या ये कहते हैं अंतिम चरम परिणति है, और यही हमारा अभीष्ट है। सारे दर्शन का ये अभीष्ट है। भारत के जितने भी दर्शन ब्रह्म की प्राप्ति की बात करते हैं, हम अद्वैत सिद्धांत जो है, अद्वैत सिद्धांत भी व्याख्या करते करते, इसलिए शंकराचार्य प्रक्षण बौद्ध कहलाए, क्योंकि उनकी जो व्याख्या है वो तो सनई 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 जो है अनीश्वरवादी हो जाती है, लेकिन देखने में लगता है अनीश्वर नहीं है, वो सब कुछ ईश्वर समझता है। इसमें जो हम ध्यान, जो हम ध्यान कर रहे हैं, जो हमारे आसपास के उपादान है, ये हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, ये ज्ञान, ये हमारे जो वेबिनार आपने लगाया, ये इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, ये कुर्सी में जितने भी चीजें हैं, यहाँ तक कि हमारा जो ज्ञान, हमने जो अभीष्ट ज्ञान प्राप्त किया या अभीष्ट ज्ञान को हम समाज में भेज रहे हैं, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं, ये सारी की सारी चीजें जो है, इन सबका विलोपन हो जाता है। जब सबका विलोपन हो जाता है, असंप्रज्ञात समाधि होती है, यही हमारा उद्देश्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो योग है पूरी तरह मनोविज्ञान है, मानसिक नियमन है, मानसिक बिंदुओं का उन्नयन है, मानसिक भावनाओं का सृष्टिकरण है। तब जैसे व्यावहारिक रूप से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर षट विकार की बात करते हैं, तो त्याग तपस्या दया धर्म लौकिक रूप से इसे लाते हैं, इसका से कहते हैं ना, इसका क्षरण होता है। समाधिस्थ व्यक्ति में ये गुण नहीं पाए जाते हैं, गुण तो लौकिक हैं, ये देवताओं में हो सकते हैं, क्योंकि मानव योनि तो देव योनि से भी श्रेष्ठ योनि है, क्योंकि हम ही यहाँ से हम मोक्ष की तरफ, क्योंकि हम मुमुक्ष हो सकते हैं, मोक्ष की तरफ पहुंच सकते हैं, वह इस असंप्रज्ञात समाज के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, जिसमें सारी चीजों का लोप हो जाता, हमारे अंदर कुछ नहीं रहता है। तो अगर हम इस तरीके से विचार करते हैं, तो जो मेरी दृष्टि से आया, मैंने योग पे विचार करने की कोशिश किया, वैसे मैं दर्शन का छात्र भी नहीं हूँ, दर्शन के प्रति रुचि जरूर रखता हूँ, तो मैंने अनुभव किया कि ये सारी की सारी चीजें उस अभीष्ट की तरफ ले जाती हैं, जिसे हम कहते हैं अद्वैत दर्शन में कि हमने आत्मा परमात्मा का एकाकार हो गया, या जो कहिए या सब कुछ परमात्मा युक्त है, सब ईश युक्त है, सब ब्रह्ममय है, इसकी अनुभूति होती है। वह अनुभूति योग दर्शन के अनुसार हम समाज के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि योग दर्शन ईश्वर को मानता है। सांख्य योग में थोड़ा सा अंतर है, योग क्या है, उनके 2500 बिंदुओं को मानता है, लेकिन वो ईश्वर को अतिरिक्त मानता है। जो ईश्वर की अवधारणा है वो हमारे योग में है, और समाधिस्थ के माध्यम से हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, इस निर्विकल्पक समाधि के माध्यम से। और जो हमारा अभीष्ट है, जो मोक्ष हमारे मानव योनि का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसके नाते हमारे दर्शन में कहा जाता है 84 लाख योनियां प्राप्त होती हैं। इवन देन देवलोक में चाहे इंद्र भी हो, उसको पुनः मोक्ष में प्राप्त होने के लिए 84 लाख के चक्र में आना पड़ता है, और जिस दिन मुक्त होगा मानव योनि ही होगी। ये हमारी जो दार्शनिक अवधारणा है, इसके साथ हम योग के माध्यम से इस आगे बढ़े तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा, और योग दर्शन के ज्ञान ग्रहण करने का तभी कोई अभिप्राय रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सब लोगों को, पुनः एक बार पढ़ा। धन्यवाद सर, आपने अष्टांग योग के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष का बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया, और साथ ही ये भी बताया कि योग में जो योग है वो साकार से निराकार की तरफ, द्वैत से अद्वैत की तरफ, चेतन से अचेतन की तरफ, और संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की ओर जाने की प्रक्रिया है। क्योंकि यहाँ पर हम साकार से निराकार, यानी कि हम शून्य की तरफ किस प्रकार जाते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपने उद्बोधन में
हम सबको बारीकी से एक एक विषय से परिचित कराया। धन्यवाद सर। अब इस व्याख्यान माला में जिनका परिचय मैं आपसे अब कराने जा रही हूं, अगले उद्बोधन के लिए वो हमारे ही विश्वविद्यालय परिवार के एक सदस्य हैं। जिस प्रकार योग साधना है, उसी प्रकार से जो ये आगामी उद्बोधक सर हैं, वो स्वयं ही एक ऐसे विषय के विद्वज्जन हैं जो पूर्ण रूपेण साधना से संबंधित विषय है। सर संगीत विभाग के प्रभारी एवं प्रवक्ता डॉक्टर गोपाल कुमार मिश्रा सर अगले उद्बोधन में आपको अपने अमूल्य विचारों से अवगत कराएंगे। साथ ही सर संगीत नाटक एकेडमी के भी सम्माननीय सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित होकर के अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मिश्रा सर का उद्बोधन का जो विषय है वो भी पूर्ण रूपेण साधना पर ही आधारित है, क्योंकि साधना के लिए जरूरी है इंद्रियों का निग्रह और मन का वश में होना, यानी मन का वशीकरण होना। और ये जब इंद्रियों का निग्रह और मन का वशीकरण होता है, मन वश में रहता है, तभी हम ब्रह्मचर्य, योग और संगीत जैसे साधनों साधना की का प्रयास कर सकते हैं और अपने आप को एक साधक के रूप में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो सर का जो विषय है वो है संगीत एवं योग में ब्रह्मचर्य का स्थान। इस विषय पर सर अपने अमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएंगे। डॉक्टर गोपाल कुमार मिश्रा सर, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आज के इस योग विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन वैचारिक संगोष्ठी में मैं संचालिका महोदया को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे अवसर दिया और एक लंबा चौड़ा परिचय आपने बताया, और विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आपने एक पृष्ठभूमि भी बना दी हमारे उद्बोधन की। मेरा जो उद्बोधन है उसका विषय भी आपने बताया। उद्बोधन के प्रारंभ में मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति परम पूज्य नित्य स्मरणीय जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी का स्मरण करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को प्रणाम करता हूँ, और योग विभाग और राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई से जुड़े समस्त अपने साथियों के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम किया और उसमें मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पूर्व मुझसे पूर्व डॉक्टर त्रिपाठी सर ने बड़ी सारगर्भित व्याख्या की है और बड़ा अच्छा उद्बोधन दिया है, बड़ा मार्गदर्शन मिला हम सभी को उससे, बहुत सी चीजें मैंने उसमें से नोट भी की। और निश्चित रूप से अष्टांग योग पर आपने अपनी बात रखी थी, और मेरा जो विषय है भारतीय, मैं एक चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा, संगीत एवं योग में ब्रह्मचर्य का स्थान। किंतु यदि उसके विस्तार में हम जाएंगे तो मैं उसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, भारतीय संगीत एवं योग में ब्रह्मचर्य का स्थान। इस बात को मैं अपने उद्बोधन में आगे बताऊंगा कि भारतीय शब्द मैंने क्यों छोड़ा, यद्यपि सभी लोग यहाँ विश्वविद्यालय परिवार से और उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, वे विशेषकर योग से जुड़े हुए लोग हैं जो योग के विषय में बहुत विस्तृत ज्ञान भी रखते हैं। योग के विषय में बहुत अधिक ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन जितना मैंने जाना और समझा है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि योग की बात अगर हम करें तो वो शारीरिक की अपेक्षा मानसिक, बाह्य की अपेक्षा आंतरिक ज्ञान और अभ्यास का विषय अधिक है।
मेरा जो विषय है वह अष्टांग योग के अंतर्गत ही आता है। अष्टांग योग में हम सभी लोग जानते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 जो अंग आते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो यम है, और जब हम यम की बात करते हैं तो यम में भी 5 तत्व आते हैं जिनकी चर्चा होती है। यम के 5 प्रकार बताए गए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इसमें एक विषय है जो ब्रह्मचर्य है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि संगीत और योग दोनों के विषय में हम रखना चाहेंगे। यदि हम थोड़ा सा भी ध्यान दें इन दोनों विषय पर, यद्यपि योग का आज बहुत प्रचार प्रसार है और मैंने जैसा कहा कि यहाँ जुड़े हुए लोग निश्चित रूप से योग के विषय में थोड़ा बहुत या यूं कहें कि बहुत कुछ जानते हैं। संगीत भी ऐसा विषय है जिससे कोई अछूता नहीं है, उसकी भी व्याख्या बहुत विस्तृत नहीं करनी है। लेकिन दोनों शब्दों पर अगर हम ध्यान दें, योग का अर्थ हम सभी लोग जानते हैं, योग का अर्थ है एक शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, योग मतलब किसी चीज को जोड़ना, जुड़ना। और संगीत जो विषय है उसकी एक परिभाषा है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, गायन वादन एवं नृत्य तीनों के संयोग को योग कहते हैं। यहाँ ये जो तीनों का संयोग शब्द है ये भी जुड़ने की ही एक बात कह रहा है। गायन वादन एवं नृत्य तीनों का जब जुड़ाव होता है तो वही संगीत का रूप होता है। तो एक तो शाब्दिक अर्थ से अगर हम लें तो योग और संगीत दोनों में एक शाब्दिक समानता है। अब अगर उसकी हम तात्विक दृष्टि से उस पर विचार करें तो भारतीय संगीत एवं योग ये दोनों ही जो विधा है ये मानव जीवन के लिए एक ऐसा दिव्य साधन है जो आत्मा का परमात्मा से, जीव का शिव से साक्षात्कार कराता है। मेरी ये बातें थोड़ी सी अतिशयोक्त भी उन्हें लगेंगी जो या तो योग से न जुड़े हों या संगीत से न जुड़े हों, लेकिन जिनके जीवन में योग एवं संगीत का लेश मात्र भी अंश होगा और जिन्होंने इसको अध्ययन किया होगा, चिंतन किया होगा, वो निश्चित रूप से इन बातों से इत्तेफाक रखेंगे, इन बातों को वो मानेंगे। दोनों विधाओं का जो उद्देश्य है वो साधना के द्वारा आनंद से परमानंद में स्थापित होना है। दोनों का जो लक्ष्य है वो मुक्ति है, संगीत हो या योग हो। यहां मैं फिर एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जैसे योग का आजकल एक जो स्वरूप प्रचलित है, हम उस योग पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार संगीत का भी आज एक प्रचार प्रसार जिस रूप में हुआ है, यहां उस प्रचार प्रसार वाले संगीत की चर्चा नहीं हो रही है। हम उस दिव्य संगीत की बात कर रहे हैं जो विशुद्ध भारतीय संगीत है, वैदिक वाङ्मय से जिसका उद्भव हुआ है, और उस योग की बात कर रहे हैं जो हमारी वैदिक विधा से महर्षि पतंजलि जी ने जिसका वर्णन किया है। तो इस तरह से हम उसके उद्देश्य को भी देखें, उसके लक्ष्य को भी देखें, तो दोनों का लक्ष्य है मुक्ति। अब ये जो दोनों विधाएं हैं इनमें जो प्रदर्शन होता है वो जरूर बाह्य होता है। हम संगीत गाते हैं, बजाते हैं, तो हमारा जो प्रदर्शन होता है वो एक्सटर्नल होता है, निश्चित रूप से मंचीय कला है संगीत, तो हमारा प्रदर्शन बाह्य है। लेकिन योग का भी हम देखते हैं कि हम आसन है, हम प्राणायाम करते हैं, हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो वो उसका प्रदर्शन बाह्य जरूर दिखता है, किंतु दोनों ही अंतःकरण की अनुभूति से प्रेरित होते हैं। और यदि यह कहा जाए कि योग की चरम अवस्था तक पहुंचने में भारतीय संगीत की साधना जैसा परिणामदायक अन्य कोई सहज व सरल और सरस माध्यम या मार्ग नहीं है तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। योग और संगीत दोनों के शाब्दिक अर्थ पर हमने विचार किया, दोनों के तात्विक पर भी हमने विचार किया,
अब जैसे योग की एक बात आती है, योग की जो एक एक मंत्र है, एक एक शब्द में अगर योग की व्याख्या की जाती है तो कहा जाता है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, जिसका अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। जैसे चित्त की वृत्तियों को रोक कर एक सूक्ष्म बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करने का सतत अभ्यास करते करते जब साधक स्वयं अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है तो वह योगी की अवस्था में स्थापित होने लगता है और परमानंद की अनुभूति करने लगता है। यह प्रक्रिया भारतीय संगीत के साधकों के साथ भी होती है। वह साधक सर्वप्रथम ध्वनि या नाद की उस सूक्ष्म बिंदु की साधना करता है जिससे उसे नाद के सूक्ष्म रूप श्रुतियों का अनुभव होने लगता है, और जब साधक को उसकी अनुभूति होती है तो उसे भी वही आनंद मिलना प्राप्त होता है जो एक योगी जिस तरह की परमानंद की अनुभूति करता है। एक नाद ब्रह्म के विषय में हम सभी लोग जानते हैं, उस नाद की उपासना योगी भी करता है ओमकार की, और उसी नाद के जो ध्वनि है उसकी जो तरंगे हैं उसको अनुभूत करते हुए संगीत साधक भी उसी ध्वनि की ही साधना पूरे जीवन करता है। अब इस ये तो बात हुई योग और संगीत के जो साधना की बात है। इस संदर्भ में एक श्लोक है, बीजाक्षरम परम बिंदु नाद तस्योस परिस्थितम तशब्दम चाक्षरे छिड़े निःशब्दम परमम पदम। बीजाक्षर ओमकार से परे जो बिंदु स्थित है उसके भी ऊपर नाद विद्यमान है जिसमें मनोहर शब्द ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस नाद ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद के नाम से जानी जाती है। और इसी नाद की साधना जैसा कि मैंने कहा एक योगी भी करता है और एक संगीत साधक भी करता है। इसके अतिरिक्त अगर हम विस्तृत रूप से योग के पक्षों पर ध्यान दें तो अष्टांग योग की जो साधना है कहीं न कहीं वो सारे उन सारे बिंदुओं की साधना एक संगीत साधक को भी अपनी साधना को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए करना पड़ता है। विशेष रूप से अगर हम कहें तो किसी भी विधा को किसी भी विद्या को विशेषकर जो भारतीय या वैदिक विद्या है उनको यदि सिद्धि के मार्ग तक सिद्धि के स्थान तक पहुंचना है तो उसके लिए ये जो अष्टांग योग के माध्यम है इन आठों अंगों की साधना करनी ही होती है। और आज हम इस अष्टांग योग में पहला अंग है यम, और उस यम में चौथे नंबर पर आता है ब्रह्मचर्य जिसकी हम संक्षिप्त चर्चा यहाँ करेंगे और प्रयास करेंगे कि संगीत विधा और योग विधा में ब्रह्मचर्य का क्या स्थान है उस पर हम कुछ विचार करेंगे। अपने वैदिक वाङ्मय में अपने भारतीय वाङ्मय में ब्रह्मचर्य का जो एक अर्थ निकल के आता है उसका सीधा संबंध ऐन्द्रिय सुख के संयम से है। और संयम मैंने शुरू में कहा था कि मैं इस टॉपिक में संगीत के साथ भारतीय शब्द जोड़ूंगा, क्यों जोड़ूंगा वो बात अब यहां आ रही है। संयम का जो उदात्त स्थान भारतीय संगीत में प्राप्त होता है वह पाश्चात्य संगीत या अन्य किसी देश के संगीत में कदापि देखने को नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा कि यदि योग के साथ तुलना की जाएगी तो भारतीय संगीत की तुलना की जाएगी, यद्यपि किसी भी देश का किसी भी क्षेत्र का जो संगीत है वह आनंद जरूर देता है किंतु यदि परमानंद तक जाने का कोई माध्यम है तो वह भारतीय संगीत है। इसलिए हम भारतीय संगीत शब्द यहां बार बार प्रयोग कर रहे हैं। भारतीय संगीत में जो शांति है जो उदात्त संयम का स्थान है और उससे जो सुख मिलता है वह पाश्चात्य संगीत में नहीं है। पाश्चात्य संगीत में शोर शराबा है और भारतीय संगीत का एक जो व्याकरण है वह पूरी तरह से जीव को उस सूक्ष्म बिंदु से एकाकार कराने का माध्यम है। इसी कारण जितने भी पाश्चात्य संगीत के बड़े से बड़े कलाकार हैं वो भी हिंदुस्तानी संगीत के
में अधिक आनंद व शांति का अनुभव करते हैं। वो जब भारतीय संगीत को सुनते हैं तो उसमें खो जाते हैं। अब अगर हम साधना में, जैसा कि हमने कहा, संयम, इंद्रिय सुख के संयम की बात हो रही है और संयम का स्थान भारतीय संगीत में चर्चा हुई, अब साधना में यदि हम संयम की बात करें तो संयम से जो है साधना में बल मिलता है। विचारों के संयम से मन व चित्त स्थिर व सुदृढ़ होते हैं और व्यवहार के संयम से तन सुदृढ़ होता है। कहते हैं एक स्वच्छ तन में एक स्वच्छ मन निवास करता है और एक स्वच्छ मन ही एक स्वच्छ तन का निर्माण कर सकता है, और स्वच्छ तन और स्वच्छ मन जिसके पास हो वो एक स्वच्छ समाज का निर्माण करता है। तो हमें अपना तन भी सुदृढ़ रखना है और मन भी सुदृढ़ रखना है। डॉक्टर साहब ने भी इस पर प्रकाश डाला था, उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि तन को सुदृढ़ करने के लिए व्यायाम है और कुछ कसरत है और हमारे खान पान पर विशेष ध्यान दिया जाता है, किंतु इन्हीं सब के साथ मन को भी सुदृढ़ करने के लिए हमें संयम की आवश्यकता होती है। और विचारों के, जैसा मैंने कहा, विचारों के संयम से मन व चित्त स्थिर व सुदृढ़ होते हैं तथा व्यवहार के संयम से तन सुदृढ़ होता है। निर्मल मन से ही सात्विक विधाओं की साधना की जा सकती है। यदि मन में विकार हो, हमारा योग करता क्या है, इसके जो ये आठों अंग हैं इसकी सबसे बड़ी भूमिका यही, इसका क्रम इसीलिए है। यदि हम एक एक चीज, यम, सबसे पहले यम की साधना करना है, उसमें भी यम में जो पांच प्रकार की यम बताए, जब हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे तभी हम उन ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और एक एक चीजों की सिद्धि होते होते हम, जैसे अगली कक्षा में विद्यार्थी जाता है वैसे हमें पढ़ना चाहिए। इस प्रकार होते होते पहले यम का चौथा चरण ब्रह्मचर्य है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। निर्मल मन से ही सात्विक विधाओं की साधना की जा सकती है। यदि मन में विकार हो, द्वेष हो, राग हो, काम क्रोध मद लोभ हो, ये वासनाएं भरी हो, तो किसी भी दैविक विद्या या वैदिक विद्या की साधना संभव नहीं है, या यूं कहें कि दुर्लभ है, हम उसे असंभव भी कह सकते हैं, चाहे वो योग हो या संगीत हो। इन दोनों ही विधाओं के लिए मन को निर्मल करना आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में जब हम भारतीय शिक्षण पद्धति को यदि ध्यान दें तो हमारे यहाँ आश्रम पद्धति है। आश्रम पद्धति में चार आश्रम हैं, आप सभी लोग जानते हैं, हमारे डीन सर भी समाज शास्त्र के हैं, वो जुड़े होंगे। उसमें सबसे पहला जो आश्रम है वो ब्रह्मचर्य का आश्रम है, और हम योग और संगीत की बात कर रहे हैं, किंतु हमारे वैदिक वांग में किसी भी विद्यार्थी के लिए या किसी भी जीव के लिए, मनुष्य के लिए, किसी भी मनुष्य के लिए जो उसका प्रथम, उसकी एक आयु मानी जाती है कि 100 वर्ष की उसकी आयु है और उसको चार खंडों में विभाजित किया जाता है 25-25 वर्ष का, और उसमें प्रथम जो 25 वर्ष है उसे माना जाता है कि यह ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत उसको स्थान दिया जाता है कि प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम है। और उस ब्रह्मचर्य आश्रम में उसकी, उसको करना क्या है, तो उस ब्रह्मचर्य आश्रम में केवल विद्या अध्ययन ही करना रहता है, अर्थात विद्यार्थी को ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे शिक्षा का एक प्रमुख अंग है। और इस तरह से भारतीय शिक्षण पद्धति में यह अनिवार्य रहा है कि किसी भी विद्यार्थी को अध्ययन काल तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर ही शिक्षा की प्राप्ति व अभ्यास व उसकी सिद्धि करनी होगी। भारतीय संगीत और योग, इसका जो स्रोत है यह भी विशुद्ध भारतीय वैदिक वांग्मय से ही है, इसलिए हमें इन सब चीजों को अगर हम इग्नोर करेंगे या हम ये मानेंगे कि इसका कोई महत्व नहीं है तो ना हम योग में कुछ स्थान बना सकेंगे, ना उसकी सिद्धि की ओर बढ़ सकेंगे और ना ही संगीत में। ऐसे में जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत के धारण करने वाले साधक हैं वही इन दोनों विधाओं में निष्णात हो सकते हैं।
एक विशेष और बात है, जैसे ब्रह्मचर्य शब्द पर अगर हम विचार करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य। ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा और चर्य का अर्थ है विचरण करना, अर्थात परमात्मा में विचरण करना ही ब्रह्मचारी का उद्देश्य होता है। परमात्मा को किस रूप में अगर हम देखें तो निश्चित रूप से अभी डॉक्टर साहब ने भी उसकी व्याख्या की, नाद ब्रह्म की बात मैंने प्रारंभ से की है, और संगीत का साधक नाद ब्रह्म का उपासक होता है। वह जो नाद है वह ओमकार, जिसको हम नाद कहते हैं, हमारे संगीत में नाद के लिए कहा जाता है कि जो भी संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि है, मतलब जिन ध्वनियों को हम कानों से सुन सकते हैं और वो संगीत में प्रयोग किए जा सके, उसी को नाद कहते हैं। जैसे यदि वो मधुर ध्वनि नहीं है, कोई ध्वनि है कर्कश है, उसमें बहुत शोर है, तो हम उसे संगीतोपयोगी नहीं मानते और संगीत वाले उसे अपने नाद की श्रेणी में नहीं रखते, यद्यपि है वह अभी ध्वनि ही। किंतु जो संगीतोपयोगी ध्वनि है, ऐसी ध्वनि 22 प्रकार की चिन्हित किया हमारे विद्वानों ने, उन्हें ही 22 श्रुतियों के नाम से नामकरण किया है। और उन 22 श्रुतियों का प्रयोग हमारे संगीत के जो 12 स्वर हैं, 7 स्वर और उनके 5 विकृत स्वर लेकर 12 स्वर हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है। 22 श्रुतियों में पर ही वो 12 स्वर हमारे स्थापित हैं। तो ऐसी श्रुति को जो ध्वनि का सूक्ष्मतम बिंदु है, और ऐसा ध्वनि जिसको सुनकर हमको आनंद की अनुभूति हो, हमें सुख मिले सुनकर, ऐसे ध्वनि की साधना हमारे संगीत साधक करते हैं। निश्चित रूप से संगीत का आज जो उद्देश्य है वो मनोरंजन है, आनंद है, किंतु इस मनोरंजन आनंद के साथ साथ जो साधक होता है वो धीरे धीरे बाह्य से उस आनंद को अपने अंतःकरण में समेटने लगता है, और उस अंतःकरण के आनंद के साथ जब उसकी साधना परिपक्वता की ओर बढ़ती है तो वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि अपने उस आनंद के लिए साधना करना प्रारंभ करता है। उसको उस आनंद, उस साधना में जो आनंद मिलने लगता है, संभवतः एक योगी भी जब अपनी साधना के साथ सिद्धि की ओर बढ़ता है तो उसे उस आनंद की अनुभूति होती है। और इस प्रकार की साधना में, ईश्वर की साधना में, नाद की साधना में हम अगर बात करें तो योग की जो भूमिका है, वही भूमिका या वही मार्ग संगीत का भी है। संगीत में भी अन्य आप देखें तो आसन का भी महत्व है, संगीत की साधना में प्राणायाम का भी महत्व है। मतलब अष्टांग योग के 8 अंगों पर अगर हम चर्चा करें तो कोई भी अंग ऐसा नहीं है जिसका संगीत साधना में उपयोग न हो, या जिसकी साधना के बिना संगीत की साधना को पुष्ट किया जा सके। ऐसा अष्टांग योग के जो 8 अंग हैं, उन सभी अंगों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। यदि हम उन अंगों की साधना करते हैं तो हमारे संगीत की साधना होती है, और यदि हम संगीत की साधना, जो हमारी पारंपरिक विधा है और गुरुजनों के द्वारा जैसा परंपरागत सिखाया जाता है, यदि हम उसको सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो कहीं ना कहीं योग के भी जो 8 अंग हैं, उन 8 अंगों की भी साधना उसमें अपने आप होती रहती है। इसलिए मेरा यह मानना है कि यदि संगीत की साधना करनी है तो अष्टांग योग को जानना होगा, और उसको जानकर कुछ उसके अनुरूप साधना करनी होगी। और योग साधक भी यदि संगीत के जो साधना के तरीके हैं, स्वर साधने की साधने का जो बिंदु है, एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहूंगा। सूक्ष्मतम बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास योगी करता है, और हमारे जो संगीत साधक हैं वो जब अपना इंस्ट्रूमेंट लेके, अपना वाद्य लेकर बैठते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया होती है वाद्य यंत्रों को मिलाने की। वो चाहे तत्वाद्य हो, सुषिरवाद्य हो, घनवाद्य हो, जो भी हैं, उनको एक एक स्केल जिसको हम कहते हैं, जिसको सारे गामा में सबसे पहला स्वर सा अपना मानते हैं, निर्धारित करते हैं, उस सा में हम अपने वाद्य को सबसे पहले ट्यून करते हैं, जो भी हम अपना स्केल बनाते हैं। तो जब उसको ट्यून करने बैठते हैं, चाहे वो आप एक तानपुरा मान लीजिए, तानपुरे के तार को हम कसते हैं, तो
जो साधक होता है उसके दिमाग में वह बिंदु स्थित होता है, संगीत का साधक, और उसी बिंदु पर उस तार को कसते हुए उस स्वर को वो ले जाता है। यदि वह बिंदु साधक के अंदर स्थिर न हो तो वो अपने इंस्ट्रूमेंट को उस सुर में नहीं मिला सकता। इट मीन्स कि यदि हमें अपना वाद्य मिलाना है तो सबसे पहले हमारे अंदर वो बिंदु स्थित होना चाहिए और हमारा दिमाग, हमारा अंतःकरण उस बिंदु पर स्थित होना चाहिए। यदि स्थित नहीं है तो हम मिला नहीं सकते उस वाद्य को। तो ये बात यह बताती है कि संगीत का जो साधक है उसको भी अपना जो ध्यान है अंतःकरण का, उस अंतःकरण में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम जो बिंदु है, जो श्रुति है, उस पर स्वयं को केंद्रित करना होता है। और उस केंद्रित करने में एक दिन में यह नहीं होता, इसीलिए लोग बताते, जैसा कि हम जानते हैं कि तमाम जो बड़े बड़े गुरुजन हैं वो 10-10, 12-12 साल अपने गुरुजनों के सानिध्य में रहकर अभ्यास करते हैं, तब जा करके कहीं वो इस स्थिति में आते हैं कि वो ये समझ पाते हैं कि मेरा अभ्यास सही हो रहा है, गलत हो रहा है या कैसा हो रहा है। तो ऐसा अभ्यास संगीत में करने के लिए मुझे लगता है कि यदि संगीत की साधना के साथ योग के इन बिंदुओं को भी समाहित करके और विद्यार्थी को कुछ इसका भी ज्ञान साथ साथ दिया जाए कि इस साधना को करने के लिए ये क्रम है, तो वो विद्यार्थी के लिए भी अत्यधिक उपयोगी है। और ना भी आप उन चीजों को बताएं तो यदि किसी संगीत के विद्यार्थी को का परंपरागत उसका शिक्षण काल और उसकी साधना को ध्यान दें तो उसमें ये सब सम्मिलित होते ही हैं, क्योंकि बिना इसके उसकी विधा पुष्ट नहीं होती, वो उतना स्थिर नहीं हो पाता। और यदि स्थिर नहीं हुआ उसका मन और अंतःकरण, यदि उसका चित्त स्थिर नहीं हुआ तो फिर वो स्वरों का लगाव और उनके उस स्वरूप को स्थापित नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपने संगीत के साथ न्याय नहीं कर सकता। और इस न्याय को करने के लिए जो अभ्यास है, जो निरंतर प्रक्रिया है, उसमें अष्टांग योग और अष्टांग योग के अंतर्गत जिस विषय को हमने चर्चा किया, ब्रह्मचर्य शब्द का, तो यह इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है हमारी साधना में, हमारे मन को स्थिर करने में। हमें अपने मन को स्थिर करना होता है। इस प्रकार यदि हम बात करें संगीत विधा की, तो लौकिक जगत की यह एक ऐसी विधा है जिसकी साधना अलौकिक ज्ञान का साक्षात्कार कराती है, किंतु इसके लिए साधक को भी इंद्रिय सुखों से ऊपर उठना होगा। यदि इंद्रिय सुखों से ऊपर व्यक्ति नहीं उठेगा तो वो निश्चित रूप से इसकी साधना को उतनी उत्कृष्टता के साथ नहीं कर सकता जैसा करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के विषय में और बहुत सी बातें हैं। भारतीय संगीत का साधक जब साधना या अभ्यास में बैठता है तो वास्तव में उसे अपनी साधना के तत्वों के अतिरिक्त, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे योगी जब अपनी साधना में बैठता है तो घंटों 2 घंटों ध्यान में स्थित हो जाता है तो उसे समय का बोध नहीं होता कि यह समय कितनी जल्दी बीत गया। ऐसी ही कुछ परिस्थिति भारतीय संगीत के साधकों के साथ भी होती है। जब वो साधना में बैठते हैं तो पता चला कि आलाप ही उनका आधे घंटे 1 घंटे का हो गया। इस बात को अन्य लोग सोचते हैं, कहते भी हैं, जो शास्त्रीय संगीत के साधक या जानकार नहीं है वो ये कहते हैं कि भाई क्या इतनी देर से कर रहे हैं। अब उसको तो जिसने साधा है वही उस चीज को महसूस कर पाता है कि वो क्या कर रहा है, किंतु उसका कारण यही होता है कि वो स्थिर हो जाता है उस दिव्य ज्ञान में, और जिसके कारण उसे समय का बोध नहीं होता कि वह कितनी देर तक इस विषय में जुड़ा हुआ है। हम संगीत और योग दोनों विधाओं पर सम्मिलित संयुक्त रूप से चर्चा कर रहे हैं। जितने भी हमारे संगीत के साधक हैं उनके लिए ये साधनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और मैं फिर यही कहूंगा कि जो योग के अष्टांग योग की साधना के तत्व हैं उनको संगीत साधकों को भी साधना चाहिए, और उस क्रम से यदि संगीत साधक आगे बढ़े तो निश्चित रूप से वो अपनी साधना को और सिद्धि के नजदीक ले जा सकता है और उसके द्वारा वो अपनी साधना को पुष्ट एवं सिद्ध कर सकता है। जो भारतीय संगीत का जो साधक है
जैसा कि मैंने कहा कि जब वो साधना में बैठता है तो उसे अपनी संगीत साधना के तत्वों के अतिरिक्त स्वयं का भी बहुत कम बोध होता है। यदि उसका मन इंद्रिय सुखों की ओर आकर्षित है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि अभी उसके अंतःकरण में संगीत की वह दिव्य अनुभूति हुई ही नहीं जिसकी उसे साधना करनी है। अन्यथा यह एक ऐसी विधा है जो स्वयं के अतिरिक्त और कुछ सोचने समझने के लिए दिमाग को फ्री नहीं छोड़ती है। वास्तव में यह सब तभी संभव है जब साधक इंद्रिय सुखों से विपरीत हो या इंद्रिय सुखों से ऊपर उठे, उसमें नाद रूपी परम ज्ञान ब्रह्म के अनुभूत की अभिप्सा हो। ब्रह्मचर्य व्रतधारी साधक इस क्षणभंगुर सांसारिक सुखों में आसक्त न होते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति हेतु साधना करता है। संगीत और योग दोनों विधाएं चित्त को आनंद प्राप्त कराने वाली और आनंद से सच्चिदानंद परमानंद में स्थित कराने वाली विद्या है। अतः मेरे मत से संगीत और योग दोनों के साधकों को, विशेषकर फिर मैं जोड़ूंगा कि भारतीय संगीत और योग दोनों के साधकों को ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना आवश्यक है, और इस क्रम से यदि वो अपने विद्या का अभ्यास करता है तो निश्चित रूप से वो अपनी साधना को सिद्धि की ओर ले जाता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत मैं इस विषय को अब यही समेटते हुए एक बार पुनः ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए सभी अपने साथियों का धन्यवाद करता हूं, और योग विभाग और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के जो सहयोगी राष्ट्रीय सेवा योजना के चारों इकाइयों के कार्यक्रम अधिकारी, योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अम्बरीश जी और हमारे श्री जितेंद्र जी, आप सभी लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझे यहाँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है। हमारे पूर्व में संचालिका डॉक्टर रीना पांडे जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको अवसर प्रदान किया। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जैसा कि अपने उद्बोधन में सर ने योग और संगीत दोनों की समानता पर भी प्रकाश डाला कि दोनों में क्या समानता है और ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, इंद्रिय सुख पे संयम, और साधक जो है साधना तभी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब वो लौकिक से अलौकिक की तरफ, आनंद से परमानंद की अनुभूति कराती है, तभी वो साधना उत्कृष्टता और उच्चतम शिखर पर होती है। इन बिंदुओं पर व्याख्यान तो किया, हाँ हाँ बोलिए मैडम। हाँ, तो सर का इस विषय पर बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान सर ने दिया और ये भी बताया कि जिस प्रकार योग में यम से समाधि की ओर का की यात्रा की जाती है, ठीक उसी प्रकार संगीत में ओमकार से नाद बिंदु यानी सूक्ष्मतम बिंदु की ओर अग्रसर होना ही परमानंद की अनुभूति करा पाता है। तो इस प्रकार से आज के दोनों ही उद्बोधक महोदय द्वारा हमें बहुत ही सारगर्भित बातें जानने को मिली और हम अपने जीवन में उन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए योग और साधना की ओर प्रवृत्त होने का, ताकि शारीरिक स्वस्थता के साथ साथ हम मानसिक और आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर हो सके। योग के द्वारा हम अपनी मानसिक शांति और परमात्मा की तरफ अपने पथ को अग्रसर कर सके। इन्हीं के साथ अब मैं भविष्य माथुर मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो आभार ज्ञापित करें। भविष्य मैम। यस मैम, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। नमो राघवाय।
सादर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं अवर ऑनरेबल लाइफ लॉन्ग चांसलर पद्म विभूषण स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी, अवर वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश चंद दुबे सर, अवर स्पेशल गेस्ट डॉक्टर CBN त्रिपाठी सर, चीफ सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अयोध्या, डॉक्टर गोपाल मिश्र सर इंचार्ज डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी योग विभाग, NSS के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री दिलीप कुमार सर, NSS प्रोग्राम ऑफिसर्स डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर नीतू तिवारी मैम, मिस्टर प्रद्योत दुबे सर, सबको धन्यवाद ज्ञापन कर। कोरोना संक्रमण के बाद मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित लोग सवा साल से पीड़ित हैं। इस कोरोना संक्रमण से बचाव में योग की महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। हाल ही के वर्षों में भारत समेत दुनिया भर में योग की स्वीकार्यता बढ़ गई है। इस स्थिति में यह सप्त दिवसीय कार्यक्रम निश्चय ही हम सभी के लिए उपयोगी है। योग का मनोविज्ञान सर ने अभी हमें बताया कि इंद्रियां जिसको ग्रहण करना चाहते हैं उसे हम मन कहते हैं, और इंद्रियों का जो सुख का भोग इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, आज के इस महामारी में मानसिक नियंत्रण रखना सबसे अहम विषय है। मन का संयम, इंद्रियों का संयम, इनसे ना ही हम अपने मानसिक संतुलन रख सकते हैं, बल्कि योग एवं संगीत, जिसे अभी सर ने बताया अष्टांग योग, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वादन एवं नृत्य से कैसे हम आनंद से परमानंद की प्राप्त कर सकते हैं, संगीत की साधना से कैसे हम अपने आप को योग के द्वारा योग से संतुलन करके फिट रख सकते हैं, तन मन को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं, विषय पर बहुत अच्छा मैसेज हम सबको मिला है। मैं आशा करती हूँ कि आज इस सप्त दिवसीय सेशन, जो सेकंड सेशन है, इसमें हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। आज मुझे ये गर्व एवं प्रसन्नता है आप सभी के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यह अवसर प्रदान किया गया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के स्पीकर्स एवं NSS ऑफिसर, योगा विभाग एवं YouTube प्लेटफॉर्म्स के श्रोतागण, जिन्होंने इस कार्यक्रम को श्रवण करके सफल बनाया। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं सभी का धन्यवाद देती हूँ एंड मैं आशा करती हूँ कि आप योगा को अपने जीवन में उतार कर फिट रहेंगे। ओवर टू रीना मैम। थैंक यू मैम, आभार ज्ञापन के साथ ही अब कार्यक्रम का को समाप्ति की ओर ले चलते हैं।